नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की 30 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। अक्टूबर में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें हरमनप्रीत कौर कप्तान और स्मृति मंधाना उप कप्तान है। बीसीसीआई ने यास्तिका भाटिया और श्रियंका पाटिल को टीम में शामिल किया है, लेकिन उनका चयन फिटनेस पर निर्भर रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेमेंट ऐप UPI की तरह यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म लाने का ऐलान किया है, जिससे कर्ज लेने की प्रक्रिया में कमी आएगी, क्योंकि ये क्रेडिट प्रोसेसिंग में समय और पेपर वर्क को घटाने के लिए डिजाइन किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिन श्रीनगर में छात्रों से मुलाकात के दौरान शादी के सवाल पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। छात्राओं ने उनसे उनकी शादी की योजनाओं के बारे में पूछा, जिस पर राहुल गांधी ने सीधे उत्तर नहीं दिया। हार्दिक पांड्या और नताशा अलग हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नताशा ने खुद तलाक के मसले पर बात की है। उन्होंने वजह का खुलासा किया है, कहा कि अगर हार्दिक अपनी एक आदत सुधार लेते तो शायद रिश्ता बच सकता था। 1 सितंबर 2024 से अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर कुछ बदलाव लागू होने वाले हैं। ये बदलाव रिवार्ड पॉइंट अर्जित करने और भुनाने के तरीके, पेमेंट की समय सीमा और न्यूनतम देय राशि को प्रभावित करेंगे। पूर्व भारतीय बैटिंग कोच संजय बांगर ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगले 5 से 6 सालों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक्टिव रह सकते हैं। बांगर के अनुसार कोहली की फिटनेस उनकी लंबी क्रिकेट कैरियर की गारंटी है, जबकि रोहित शर्मा की खेल अवधि उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी। टेलीग्राम के फाउंडर और CEO पावेल डुरो की गिरफ्तारी के बाद प्लेटफॉर्म की स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। भारत सरकार ने टेलीग्राम के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, जिससे इसके देश में बैन की संभावना बढ़ गई है। अगर टेलीग्राम नियमों का पालन नहीं करता तो भारत में इसका प्रतिबंध लग सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिसंबर और जनवरी में कोहरे के चलते यात्रियों को लंबी कतारों का सामना न करना पड़े, इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय सतर्क हो गया है। केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने NBT से कहा कि मंत्रालय कोहरे के असर को कम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। रिंकू ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए मुख्यमंत्री योगी का ऑटोग्राफ लेते हुए गर्व महसूस करने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 54वें स्थापना दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे आनंद स्वरूप गुप्ता स्मारक में नए आपराधिक कानून नागरिक केंद्रित सुधार विषय पर संबोधन देंगे। भारत में सरकार ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित नई ट्रोल संग्रह प्रणाली की शुरुआत की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार ये प्रणाली वर्तमान पारंपरिक टोल संग्रह विधि को बदल देगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 10 विकेट से मिली हार के बाद अपनी बेबसी व्यक्त की है। नकवी ने कहा कि खिलाड़ियों के चयन के लिए ठोस आंकड़ों की कमी है और वर्तमान स्थिति के लिए उनकी निराशा स्पष्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांधरबल से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। NCA और कांग्रेस ने चुनाव में गठबंधन किया है, जिसमें NCA 50 और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 6 सीटों पर दोनों पार्टियां फ्रेंडली फाइट करेंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर विवादित बयान के बाद आलोचनाओं का सामना कर रही हैं। श्री गुरु सिंह सभा के प्रेसिडेंट मंजीत सिंह ने कहा कि कंगना का बयान निंदनीय है और उन्होंने इसे उनके पद की गरिमा के खिलाफ बताया। लखनऊ में हुई बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने पदाधिकारियों के समक्ष मायावती का नाम रखा था, जिस पर पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से मायावती के नाम पर मोहर लगाई है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने वैज्ञानिक बी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया CSB की आधिकारिक वेबसाइट csb.gov.in पर उपलब्ध है। तुर्की के
तुर्की की एयर कार कंपनी ने दुनिया को उड़ने वाली कारों से चौंका दिया है जो सड़क और हवा दोनों में चल सकती है। इन कारों की कीमत 2 से 2.5 लाख डॉलर है और टेस्टिंग अब तुर्की में जारी है, जबकि पहली उड़ान 2025 में होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा ढह गई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अनावरण किया था। कांग्रेस का कहना है कि 8 महीने में प्रतिमा का ढहना भ्रष्टाचार का सबूत है। बीते दिन बिहार में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर जदयू के प्रदेश कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम नेताओं ने विधेयक पर आपत्ति जताई थी। वहीं बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर समाज और वर्ग को बराबरी से साथ लेकर चलते हैं, तो वहीं लालू यादव पर उन्होंने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कंगना रनौत के किसानों पर हालिया बयान पर टिप्पणी की है। चिराग पासवान ने कहा कि कंगना रनौत उनके पुरानी और अच्छी दोस्त हैं और वे मानते हैं कि कंगना एक मजबूत इरादों वाली महिला है। साथ ही कहा कि कंगना को बयान और विचारों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। पटना में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर संतोष कुमार के आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की, जिन पर घूसखोरी का आरोप है। सीबीआई ने उन्हें धनबाद में 10 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जनगणना में जातियों की गिनती पर उनकी स्थिति को लेकर बिना रीढ़ की हड्डी वाले और सिद्धांत विहीन करार दिया। बिहार में सोमवार को डूबने से 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें गोपालगंज, पटना, भागलपुर, सिवान, गया और बेगूसराय शामिल हैं। गोपालगंज में 4 युवक, बकरी में 1 परिवार की 4 और मधुबनी में 2 किशोरी के डूबने से मौत हो गई। बेगूसराय में सेना का जवान भी गंगा में डूब गया। प्रदेश के ट्रांसपोर्ट विभाग की अनफिट गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए नई ई डिटेक्शन व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत सभी टोल प्लाजा पर अनफिट गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत 7 अगस्त से शुरू होने के बाद केवल 7 दिनों में 9.50 करोड़ रुपए का चालान काटा गया है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह से मुलाकात के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन अब जेड प्लस श्रेणी के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। दिल्ली से रांची पहुंचते ही जेड प्लस की सुरक्षा उन्हें मिल जाएगी। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 3 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है और लंच की इजाजत मांगी। सीबीआई ने 14 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 1 हफ्ते के लिए हिरासत बढ़ा दी है। मंकी पॉक्स के लक्षणों पर टेस्टिंग के लिए डॉक्टर त्वचा से सैंपल लेते हैं, जबकि कोरोना वायरस के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट नाक और गले से सैंपल लेकर किया जाता है। मंकी पॉक्स का टेस्ट रिजल्ट आमतौर पर 24 से 48 घंटे में आता है, लेकिन कभी कभी इसमें से 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। मंकी पॉक्स का टेस्ट कोरोना के टेस्ट से अलग होता है। एप्पल ने भारत में अपने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार तेजी से बढ़ाते हुए अगले 1 से 2 साल में 5 से 6 लाख नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की घोषणा की है। सरकार की पीएलआई स्कीम के चलते देश से आईफोन का निर्यात बढ़कर $1 अरब प्रति महीने हो गया है। भारत में जनवरी से जून के बीच वीजा आवेदन की संख्या पहली बार महामारी से पहले के स्तर को पार कर गई है। VFS ग्लोबल के अनुसार इस अवधि में आवेदन की संख्या 2019 की पहली छमाही की तुलना में 2% अधिक और 2023 की पहली छमाही से 11% बढ़ी है। भारतीय शेयर बाजार में बाजार बंद होने पर BSE, सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मामूली तेजी के साथ क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 14 अंकों के उछाल के साथ 81,711 और निफ्टी 7.15 अंकों के उछाल के साथ 25,018 अंकों पर क्लोज हुआ। निफ्टी लगातार दूसरे दिन 25,000 के पार बंद होने पर सफल रहा है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया है उनका नाम है जितेंद्र ठाकुर, सपना कुमारी, आरजू, मोहम्मद साकिर हुसैन, धर्मवीर कुमार, मोहम्मद अरमान, कौशलेंद्र कुमार मिश्रा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका हॉबी क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।